देवास हाट पिपलिया कोरोना महामारी की वजह से सभी परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, वहीं कई लोग जन सहयोग से ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी क्रम में हाट पिपलिया नगर वासियों ने कोविड हेल्प के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया व जन सहयोग से राशि एकत्रित कर 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगाई। साथ ही पाटीदार युवा संगठन ने भी समाज जन के सहयोग से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगाई। कुल 3 मशीन तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा, नायब तहसीलदार अनिता बरेठा व सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर जीवन यादव की उपस्थिति में कोविड सेंटर हाट पिपलिया में भेंट की गई। पाटीदार युवा संगठन ने 1 ऑक्सीजन मशीन शासकीय हॉस्पिटल बागली में भी भेंट की है। ये सभी लोगों ने जो है इसके लिए एक मुहिम चलाई थी। हमने कोविड के नाम से एक ग्रुप बनाया था हाट पिपलिया में, सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जिसमें हमारे दीपक दुसरा जी, शैलेन जी, संतोष जी और बहुत सारे लोग जुड़े थे जो सामाजिक कार्यकर्ते हैं। और हमने जब कलेक्शन किया तो उसमें यहाँ के अधिकारियों ने भी जो बना उनसे, भाई हमारे बहन जी यादव है, ललित जी है, इन सब लोगों ने जो जो दान राशि दी है उसके माध्यम से ये कलेक्शन करके हमने बुलवाए हैं। अच्छा, तो कितने मशीन है यहाँ पर? कुल 4 मशीन आई है, लेकिन 3 यहाँ पर और 1 बागली के लिए भी है। ये तो आप लोगों का स्नेह है, ऑक्सीजन में क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि किसी को किसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि अभी मौसम और माहौल जो कोरोना का चल रहा है, लोगों की जान बचाना सबसे पहला हमारा ध्येय है। तो मेरा दिन रात 24 घंटे मोबाइल चालू रहता है और ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं तो उनको सुविधा मुहैया हो इसके लिए मैं इंदौर ही रुककर जो है ये काम कर रहा हूँ। इंदौर में करीब करीब 7 से 8 जो प्लांट है वहाँ मैंने लोगों से पहले से ही बातचीत कर रखी थी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और उनको सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाई आती है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको लाभ देना है कि मैं उनके लिए, जब वो अगर बोलते हैं कि मेरे साथ चलो तो मैं उनके साथ चले जाता हूँ। प्लांट पे भी उनको थोड़ी जल्दी, मेरे जाने से थोड़ी राहत मिल जाती है, जल्दी काम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं सब। सिविल हॉस्पिटल हाट पिपलिया को पाटीदार समाज एवं हाट पिपलिया की जनता द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान किया गया है। यह योगदान ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में किया गया है। यहाँ पर कोविड सेंटर में जो लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यह मशीन ऑक्सीजन को उत्पन्न करती है और एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन करती है ऑक्सीजन का, जिससे किसी सिलेंडर या किसी ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ता है। यह नेचुरली ऑक्सीजन को बनाकर और पेशेंट को डायरेक्ट 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन प्रदान करती है। नॉर्मल इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन वाले पेशेंट के लिए यह मशीन बहुत कारगर है और मैं जो यह योगदान जनता द्वारा किया गया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाट पिपलिया से नरेंद्र चौहान की ये रिपोर्ट।